भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार को बीकानेर संभाग के सूरतगढ़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस कांग्रेस सरकार ने देश को गर्त में ढकेलने का काम किया है। प्रदेश की सड़कें सिर्फ कागजों में हैं, हकीकत में गड्ढों के सिवा कुछ भी नहीं। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने चुनावी साल होने के कारण मुफ्त दवा और जांच योजना शुरू कर दी, लेकिन इन योजनाओं को निचले स्तर तक बैठे आम आदमी तक पहुंचाने में मैन पावर ही नहीं है, तो योजना कैसे सफल हो पाएगी। प्रदेश की जनता आज भी रासायनिक पानी पीने को मजबूर है। किसानों के साथ सरकार ने धोखा किया है। 8 घंटे किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के दावे केवल वादे बनकर रह गए। मैं जिन स्थानों पर भी गई, लोगों ने स्थानीय मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं का निराकरण नहीं होने की शिकायत की है। वसुंधरा ने कहा कि अपना हक और अपना हिसाब मांगो। जो सरकार चुनावी साल में खजाना लुटा रही है वो दरअसल आप लोगों का ही है, उसे हर हाल में लेना होगा। किसी ने कहा चांदी का मुकुट ले लो, तो किसी ने कहा सोने की अंगूठी ले लो। मैंने कहा भैया ये चांदी भी नहीं सोना भी नहीं, मुझे चाहिए आपका प्यार। आपका प्यार देखो सब कुछ है, आपका प्यार है तो सब कुछ है। और इसी के पीछे हम पागल हैं और इसी के पीछे आप लोगों के दौड़ते दौड़ते आते हैं। आप प्यार देते रहोगे हम लोग दौड़ते रहेंगे और आपकी बात को और आपके काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो प्यार के मौके और दूसरा क्या सड़कें हैं आपकी। फर्स्ट हैंड आपकी सड़क को देखने को मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे कई गाँव में से निकल के भी आना पड़ा जो सड़क हमने लिए, और मैंने देखा कि इतनी सारी हालत खराब और जहां नहीं गई थी। मुझे गांव वालों ने सबने यही कहा कि हमारी सड़क देखी। मैंने कहा देखी नहीं, मैंने सब खाना भी हजम किया है इसके ऊपर चलते चलते जरूरत नहीं है। मैं तो चल के इसी वजह से आई हूँ, यही देख के आई हूँ कि जो नए की यात्रा मैंने की थी मई के महीने में, उस दिन से लेकर आज तक कितना आगे बढ़ा है प्रदेश, ये देखने का दौरा हुआ था। आज मैं सिर्फ आपके एक दिन कहने के लिए आई हूं, अपना हक ले लो। आपका हक आज के दिन मारा जा रहा है। आज 65 साल के बाद अगर हमको गांव के अंदर दूषित पानी पीने को मिल रहा है, अगर हमको गांव के अंदर जिस तरीके से भेड़ बकरी और जानवर को पानी मिलता है उसी तरीके से पानी पीने को मिल रहा है, अगर हमको सही तरीके से बिजली नहीं मिल रही है, अगर हमारे डॉक्टर्स नहीं है, अगर हमारे टीचर्स नहीं है और अगर हमारे रोजगार नहीं मिल रही है, तो फिर कैसी सरकार बैठी है। उसको बैठने का उस कुर्सी पे एक मिनट के लिए भी हक नहीं है। ऐसी सरकार को मतलब के नीचे अपने को जमीन में इसलिए मैं आज आपसे कहने आई हूं, अपना हक मांगो, अपना हक लो और सरकार से अपना हिसाब मांग लो। 4.5 साल में क्या किया है ये मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। मैंने महिलाओं की आंखों में दर्द देखा है, मैंने बड़े बुजुर्गों की आंखों में दुख देखा है, और जब मैंने उनसे बातें की है तो सबसे पहले उनको हाथ सिर के ऊपर हाथ रख के उन्होंने मेरे को बोला है ये पानी को पिला दो, हम तो आपके मुरीद हो जाएंगे अगर हमको साफ पानी का इंतजाम आप करा दो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 80% से अधिक फिल्टर प्लांट सब दूर खराब है। आपको आज रसायन का पानी, रासायनिक पानी और गंदा पानी जिसमें मुर्गी भी मिलती है, जिसमें गंदगी भी चलती है, ऐसा पानी निकल के आता है। सरदारगढ़ में मैं रुकी तो सरदारगढ़ में देखा कि पानी आके खाने में जो पड़ता है वह जानवर भी पीता है, आदमी भी उसको उठाता है। कहां और कौन सी बदतर हालत में आज हम लोग पहुंच गए हैं। मैं आपको बहुत दुख से कहना चाहती हूँ कि इसमें से अपने को निकलने की जल्द बहुत जरूरत है। रॉ वाटर पीना पड़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत जोरदार समस्या है। वो माता बहने कहती है कि हमें पानी का इंतजाम करो। बताओ भाई और बहनों बिजली मिल रही है। किसानों को 8 घंटे बिजली ये वायदा किया था इस सरकार ने, क्या आप लोगों को 8 घंटे बिजली मिल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर धार्मिक नगरी पुष्कर में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस कड़ी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा 16 विधानसभाओं के लिए नियुक्त
पर्यवेक्षक राजेश खेरा ने पुष्कर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। इस मौके पर कांग्रेस के दावेदारों ने अपनी अपनी तरफ से ताकत लगाकर अपने पक्ष में माहौल बनाया। पर्यवेक्षक राजेश खेरा ने बंद कमरे में सभी कार्यकर्ताओं के विचार जाने। हालांकि हाईकमान के निर्देशों के चलते कांग्रेस पर्यवेक्षक ने मीडिया से दूरी बनाई रखी, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा राज्य मंत्री और वर्तमान विधायक नसीम अख्तर इंसाफ की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि रावत समाज की ओर से सिंधन सिंह रावत के समर्थन में भी भारी संख्या में लोग जुटे हैं। इसके अलावा एडवोकेट हरि सिंह गुर्जर, पूर्व जिला परिषद सदस्य शहीद मोहम्मद, कालू का चीता सहित 7 दावेदारों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस हाईकमान किसको टिकट देती है।